हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका फ्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। चेक द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको चेक करना है कि 3/6 इक्वल है 2/4 के या नहीं। तो हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, आंसर सेम आया है दोनों का, तो इक्विवेलेंट है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50, आंसर सेम नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंट, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसमें 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 6 जा 36, और 12 3 जा 36, आंसर सेम आया है तो इक्विवेलेंट होंगे ये। ठीक है, अब इसमें हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 8 6 जा 48, आंसर सेम नहीं आया है तो नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से, और मल्टीप्लाई करके अगर आंसर सेम आ रहा है तो इक्विवेलेंट, सेम नहीं आ रहा है तो नॉट इक्विवेलेंट। इजी है बेटा, हम यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से, 7 6 जा 42, 10 को 5 से, 10 5 जा 50, आंसर अलग अलग है तो नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये, लेकिन डिफरेंट है बिल्कुल। राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना है, लिखना नहीं है, यहाँ पे चेक करना है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है मतलब टेबल लिखनी है इन दोनों की। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 4 बोले हैं तो 4 लिख दीजिए। अब ऐसे ही इसका भी कर देंगे, 6 2 जा 12, पहले 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन में ये 4 नहीं होता, इस क्वेश्चन में अगर ये 4 नहीं होता, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करते, क्या हो गया ये, राइट द नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इससे अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे हैं, अब इससे अगला क्या आएगा वो लिखो। अगर ये 4 नहीं होता तो ये क्वेश्चन ऐसे होता, एक लिखना है बस, अगला एक लिखना है। अब यहां पे क्या है, 3 5 जा 15, तो अब हम लिख देंगे 3 6 जा 18, 7 6 जा 42, ये हो गया नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका नेक्स्ट क्या होगा, 6 3 जा 18, 12 3 जा 36, इसका नेक्स्ट ये हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, अगर 4 बोले हैं तो उसके आगे के आगे तक टेबल लिख दो, और 4 फ्रैक्शन हो जाए तब तक टेबल लिख दो, और अगर नेक्स्ट बोला है तो टेबल देखो कौन सी आएगी। अब जैसे 3 5 15 है तो 3 6 18 लिख देंगे, हम 7 6 42 लिख देंगे। नेक्स्ट बोला है तो टेबल पढ़ के देखो कि अब क्या आएगा, और अगर 4 बोला है तो टेबल पढ़ के 4 लिख दो फ्रैक्शन। अब ये है लोएस्ट टर्न, ये दोनों बेटा किसकी टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों आपके 6 की टेबल में आ रहे हैं,
अगर आप इनको 12 से करोगे ना तो एक ही बार होगा, बस दो, एक बार में ही लोएस्ट टर्म का आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बड़ी टेबल तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए अगर हम 6 से करेंगे तो कैसे होगा, 6 2 12, 6 4 24। ठीक है, अब हम इसको 2 से करेंगे, 2 की टेबल में आ रहे हैं ना ये दोनों, तो दो दो बार भी कर सकते हैं। 2 से हो रहे हैं डिवाइड तो हम ऊपर नीचे 2 लिखेंगे, 2 1 2 2 2 4। आप यहाँ पे 3 से भी कर सकते हो, लोएस्ट टर्म का एक ही मेथड नहीं है। अगर मैं 12 से करती तो एक ही बार में 1/2 आंसर, बस आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, आप इसको 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी हो सकता है, लेकिन फिर दोबारा करना होगा, आंसर 1/2 ही आना चाहिए। अब इन दोनों नंबरों के लास्ट में 0 है तो बेटा ये 10 से डिवाइड होंगे। टेन फाइव जा 55 आ गया, 10 9 जा 99 आ गया। एक्सपेंडेड फॉर्म तो बहुत इजी है, 7000 प्लेस पर है 7000 हो गया, 500 प्लेस पर है 500 हो गया, 8 10s प्लेस पर है तो 80 हो गया, 4। वरना एक और तरीका है, 6 के आगे 3 डिजिट है तो 6 के आगे 30 आ गई, 3 आएगा, 3 के आगे 2 डिजिट है तो 20 लग गई, फिर 7 के आगे 8 डिजिट है, 7 के आगे 10 लग गई, 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।